चार तरह के आराम। इस प्रोग्राम में चार तरह के स्नान होते हैं, चार तरह के नहान होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सूर्य स्नान, वायु स्नान, मेरुदंड स्नान, स्पाइनल टब स्नान, और चौथा सामान्य स्नान जो हम आम करते हैं। पांच तरह के भोजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो चार तरह के आराम होते हैं। अभी तक हम एक ही आराम को जानते हैं, शारीरिक आराम। शरीर बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं। तो शारीरिक आराम के लिए ही हम कोशिश करते हैं और शारीरिक आराम को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन शारीरिक आराम मिले कैसे? उससे पहले हमें तीन आराम और चाहिए तो शरीर को आराम मिलेगा, जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। हम लोग जो नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, लगभग 5 मिनट में पावर नैप लेके फ्रेश हो जाते हैं। तो आज 2 बजे हमारा सेशन था, 2:10 बाकी थे, तो हम अपने रूम में गए। पूजा ने भी आराम किया, मैंने भी किया। 5 मिनट बाद मेरी झपकी पूरी हो गई और दोबारा से मैं उठ गया। तो मेरे को विश्वास नहीं था कि पूजा की भी होगी होगी। मैं निकलने को तैयार था, मैं इनको ये कहने वाला था भी आप आराम से आ जाना। ये कहने लगी नहीं, मेरे को भी नैप मिल गई है, मैं भी जा रही। मतलब 2:55 पे हम फ्रेश हो चुके थे, 1:50 पे सोने के बाद, 1:55 में रिफ्रेश। तो अब भी मेरे कुछ काफ़ी कुछ काम थे, कुछ मीटिंग्स थी, वो करके 5 मिनट में मैं पावर नैप लेके वापस आ चुका हूँ, विद इन 5 or 7 minutes। पावर नैप झपकि कि आपका जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो डिस्चार्ज हो गया टोटल। आपने दोबारा से कनेक्ट किया, वो दोबारा से चार्ज हो गया थोड़ा सा, आपने निकाला, वो वर्किंग के लिए दोबारा तैयार हो गया ना। मतलब जब हम दुनिया के साथ लोग इस संसार से डिस्कनेक्ट हो जाएं, इससे डिस्कनेक्ट होते ही हमारा ऊपर वाले के साथ, पावर के साथ, जो हाई पावर है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, वहाँ से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। ये प्राण शक्ति के चैप्टर में आया नहीं, मैं रख लें, कवर नहीं होया है ना, ये छूट गया। ये आपको बुक्स की सहायता लेनी पड़ेगी, पूरी बातें अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। तो हमारी बैटरी रोज़ चार्ज होती है रात को सोने के द्वारा, जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी रोज़ चार्ज होती है, ऐसे रात को सोने के द्वारा हमारी बैटरी रोज़ चार्ज होती है। तो अगर हम बीच बीच में, अगर हमें हल्का सा थकान आती है, अगर हम पावर नैप ले लें, तो नैप लेते ही हम संसार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जितनी देर की हमने जपकि ली, उतनी देर हम उस पावर के साथ जुड़ जाते हैं। रात को भी हम पावर्स के साथ जुड़ते हैं, तभी हम सुबह तरोताज़ा होते हैं, तभी सारे दिन की थकान हमारी पूरी हो जाती है, अगले दिन के लिए हम फिर तैयार हो जाते हैं। तो वो पावर नैप जो है, उसको लेने से हम रिफ्रेश हो जाते हैं। अगर आपको 5 मिनट में एक बार आप पूरी तरह, ये नहीं कि आपको डिस्कनेक्ट ना हो, आपको ये नहीं पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, तो वो चीज़ 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम थके हों, जहाँ से गाड़ी में बैठ जाएं, बालाजी निरोग धाम से यहाँ बैठेंगे, जो मेन रोड है, ये वाली मेन रोड, जी टी रोड नहीं, ये मेन रोड आने से पहले भी हो सकता है हम नैप लेके दोबारा से ठीक होके बैठ जाएं, उसको कहते हैं पावर नैप। तो इस तरह का शारीरिक आराम, तो ये श्यामलाल जी को ऐसा देखा भी है इन्होंने मेरे को, ऐसा इनके घर में रेस्ट कर रहा था, इन्होंने मेरे को 5 मिनट में देखा है कि ये तो सो गए, और फिर 5 मिनट बाद दोबारा से रिफ्रेश भी हो गए, उठ भी गए। तो इसको पावर नैप बोलते हैं। तो ये एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। और इस एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए आपको 3 तरह के और आराम चाहिए, फिर ये आराम मिलेगा जिसको हम चाहते हैं।
वो तीन तरह के आराम में पहला आराम सेंसरी रेस्ट, इंद्रियक आराम। हम इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को बेकार में तंग करते रहते हैं। बहुत जागरण का बहुत ज़्यादा शोर होता है, ऑर्केस्ट्रा वाले इतनी शादियों के अंदर इतनी ऊंची आवाज़ में ऑर्केस्ट्रा चलता है जैसे सारे बहरे बैठे हों। हमारे कान जो हैं उनको रेस्ट नहीं मिलता। टीवी में हम चित्रों को इतना घूर घूर के देखते हैं कि हमारी आँखों को आराम नहीं मिलता। या कंप्यूटर पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो जिह्वा को हम मिर्च मसाले वाले भोजन खा खा के इतना तड़फाते हैं कि जब हम सूसू कर रहे होते हैं खाते खाते मिर्च मसालों से परेशान होकर, फिर पानी भी पीते हैं साथ साथ, वो क्या है? वो हमें ये दिखाया जाता है कुदरत के द्वारा कि ये जो खाना तुम खा रहे हो इससे अंदर जाने के बाद मैं ऐसे ही तड़फूंगा, पूरा शरीर बताता है। भगवान ने अंदर के सिस्टम को साइलेंट कर दिया ताकि हम अपना खा तो लिया, खाते समय तो भगवान बता दिया गया, ताकि बाकी के टाइम अपना काम धंधा कर सकें, अपने जीवन को जी सकें, गलती करके भी जी सकें। नहीं, अंदर का सिस्टम ज़्यादा नाजुक है या मुँह वाला? अंदर का। अंदर जाने के बाद तो हमें चिल्लाना चाहिए, सूसू नहीं करना चाहिए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। होता तो चिल्लाने वाला काम है अंदर जाने के बाद। जो खाना मुंह में सूसू करके खाया जाता है वो खाना अंदर जाके होता तो चिल्लाने वाला काम है, लेकिन वो साइलेंट होता है, वो हमें मालूम नहीं पड़ता। फिर जब वही खाना बाहर निकलता है फिर गुदा द्वार पर जलन होती है, एनस पे। वो इसलिए होती है कि कुदरत आपको ये बताना चाहती है, अंदर वाला आपको ये बताना चाहता है कि तुमने जो गलत खाया उससे मैं इतने घंटे तक ऐसे तड़फा। तो इस तरीके से हम अपनी जिह्वा को परेशान करते हैं, अपने पूरे सिस्टम को परेशान करें, नॉट ओनली जिह्वा, अंदर का पूरा पाचन तंत्र। चमड़ी के ऊपर साबुन लगा के, शैम्पू लगा के, आजकल तरह तरह के परफ्यूम, सेंट्स और डियो इत ऐसा कुछ लगा के हम अपनी चमड़ी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। नाक ऐसी परफ्यूम्स, गंदी परफ्यूम्स। मैं कुछ गाड़ियों में बैठता हूँ, उन गाड़ियों में परफ्यूम लगी होती है, तो मैं बोलता हूँ आपकी गाड़ी में चूहा मरा हुआ है कोई क्या? वो कहते हैं नहीं नहीं ये आप क्या कह रहे हो। मैं क्या, मेरे को चूहे मरे की स्मेल आ रही है? कहते फिर क्या करें? मैं कह ये इसको बंद करो। तो फिर उनको बताता हूँ ये वास्तव में चूहे मरे वाली स्मेल है, आपको पता इसलिए लगता क्योंकि आप इसी में रहते हो, आपको इसकी आदत पड़ गई। इस तरीके से हम अपने इंद्रियां, नाक को तंग करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम तरह तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके, कॉन्डम यूज़ करके या तरह तरह के साधनों के द्वारा हम अपने प्रजनन तंत्र को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को परेशान करते हैं। मतलब अगर हमारी इंद्रियां परेशान हैं तो हम शारीरिक आराम से वंचित हो जाएंगे। हम हर क्रिया के अंदर ये ध्यान रखेंगे कि मेरी इंद्रियां परेशान हो रही हैं या नहीं। ऐसे म्यूजिक में हम क्यों सारी रात बैठे हैं जहाँ पर हम उसको हमारे कानों के अंदर भी रूई डालनी पड़ती है। मैं एक जागरण में चला गया, वहाँ बैठना मेरा जरूरी था, मेरे इन लॉज में था, मेरे को ये लगा ये इनको ये ना लगे भी ये नाराज़ हो गए, पता नहीं क्यों उठ के चले गए। तो मैंने कहा भी ऐसे करो, इसको बंद करा दो, इसको बोलो स्लो करें। कहते जी हमारे कहने से तो स्लो करते नहीं, ये आप प्रयास कर लो। मैं चला गया, कहते जी नहीं 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 ये स्लो नहीं हो सकता, और तजर्बा करके देख लेना, आपके कहने से कोई स्लो नहीं करेगा। आप जो आपने अगर आपके घर में ही फंक्शन होगा तो भी आप स्लो नहीं करवा पाएंगे। तो मैं कैसे करो, मेरे लिए कॉटन मंगवा दो थोड़ी सी। तो कहते क्या करोगे, मैं कानों में डाल दूँगा। तो मैं कॉटन डाल के बैठा,
तो मतलब हम ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सारे काम जहाँ जहाँ हमारी इंद्रियाँ परेशान होती हैं, अगर वो परेशान हो गया तो आपको शरीर का आराम नहीं मिल सकता, फिर पावर नैप नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम शरीरक आराम को तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी इंद्रियों को आराम देना पड़ेगा। इंद्रियों का ध्यान रखना है, कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या क्या है। अगर हम लोग जो साबुन नहीं लगाते, अगर एक दिन साबुन लगा लें तो हमें ऐसे लगता है जैसे शरीर में से कुछ बहुत ज़्यादा चमड़ी से कुछ उतर गया और एकदम खुश्की आ गई। तो तीसरा आराम है, पहला हो गया शरीर का आराम, दूसरा हो गया इंद्रिय का आराम, और तीसरा मानसिक आराम। अगर हम तरह तरह की कहानियां बनाएंगे तो मन को आराम मिल सकता है क्या? करो जितनी मेडिटेशन होती है, करो जितनी विपश्यना होती है, करो जितना जप होता है, करो जितने, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जितनी देर करेंगे उतनी देर मिल जाएगा आराम, शायद, वो भी शायद, वो भी पूरी तरह नहीं, लेकिन सारा दिन तो वह काम कर नहीं सकते, बाकी के टाइम तो हम फिर कहानियां बनाएंगे। कितने लोगों के पेट में गैस बनती है? बनती है। उस गैस का कोई फायदा है, कोई मतलब है? उस गैस को संभाल के कोई काम आएगी? वो जैसे हमारे पेट में गैस बनती है, ऐसे हमारे मन में, दिमाग में, यहां भी गैस बनती है। जो कहानियां हैं वो आपकी गैस है। तो अगर हम कहानियां बनाएंगे बिना मतलब की, कहाँ रहना है आपने? आपने हमेशा एक ही बात में रहना है, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, कहानी खत्म। ये मंत्र का जाप करो, कहानी खत्म। और वास्तव में सच्चाई यही ही है, जितनी भी बातें होती हैं उसका अगर आप निष्कर्ष निकाल के देखेंगे, अगर न्यूट्रल फेस में जाके, न्यूट्रल माइंड में जाके देखेंगे, तो कहानी सच्चाई यही है, कुछ नहीं। तो कहानियां को खत्म करके न्यूट्रल फेस में रह के हम अपने मन को आराम देते हैं, और सबके साथ रिश्ते बहुत बहुत बढ़िया रख के, हर व्यक्ति को दिल से प्यार करके, अगर उसके साथ कुछ मतभेद भी हैं तो विचारों में मतभेद है तो भी ऐसा समझेंगे कि विचारों में मतभेद है लेकिन बंदा सही है, लेकिन मेरी तरफ से ओके है। वो धीरे धीरे जब कोई टॉपिक आएगा तो डिस्कस किया जा सकता है, फिलहाल इतना समझें कि अगर मन को आराम नहीं मिलेगा तो शरीर का आराम नहीं मिल सकता, फिर आप 5 मिनट में नैप नहीं ले सकते, जबकि नहीं ले सकते, फिर तो आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा नींद लेने के लिए। तो आप चाहे तो ये आनंद ले लो, चाहे तो फिर पंगे लो लोगों के साथ। मानसिक आराम। अब इन सबसे जरूरी, अभी तो 3 तरह के आराम की बात होती है और बात है 4 टाइप ऑफ रेस्ट, इन सबसे जरूरी है आंतरिक आराम। आंतरिक आराम का मतलब अंदर के अंगों का आराम। अंदर के अंगों को आराम कैसे मिलेगा वो आप सीख ही रहे हो, 3रा दिन हो गया आज तो, सीखते सीखते उपवास, कच्चा खाना खा के, ऐसा खाना खा के जिसको हाजम करने में शरीर को कम शक्ति लगे, मिर्च मसाले वाले भोजन को छोड़ के, नशे वाले भोजन को छोड़ के, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के, काला चाट लाल चाट छोड़ के, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करने से आंतरिक आराम मिलेगा। अब इसको उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं कि हमें इंद्रियों का आराम समझ में नहीं लगता, हमें मानसिक आराम भी समझ में नहीं लगता, हमें शारीरिक आराम भी समझ में नहीं लगता, चुपचाप आंतरिक आराम करना शुरू करो, चुपचाप नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू करो, पेट पे पट्टी लगाना शुरू करो, कब्ज है तो टोना लो, कब्ज होने ना दो, टब में लेटो, सूर्य स्नान करो, वायु स्नान करो, खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसा आपको खिलाया जा रहा है ऐसा खाओ। जैसे ये करेंगे
इस भोजन के अंदर वो गुण हैं कि इस भोजन के द्वारा आपको मानसिक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं और वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। अगर कहीं गैम्बलिंग चल रही हो, जुआरी जो जुआ खेलते हैं, अगर वो जुआ खेल के किसी रूम के अंदर बैठक के अंदर चले गए, पूरी रात वहाँ चला जाए, सुबह आप वहाँ चले गए तो वहाँ क्या क्या रखा मिलेगा बताओ? शराब की खाली बोतल मिलेगी या नहीं? ओके, और क्या मिलेगा? सिगरेट के बहुत बहुत सारी सिगरेटें, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे या नहीं? मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने देखा है ये सब कुछ, आँखों से देखा है। हैं जी, हाँ जी, गंद मंद सारा मिलेगा। अब अगर किसी के साथ गलत काम करना हो, किसी की हत्या करनी हो, किसी को नुकसान पहुँचाना हो, किसी के चोट पहुँचानी हो, उससे पहले दारू पीनी पड़ेगी या नहीं? नेचुरली ये सारे लोग ऐसा काम करते हैं तभी गलत काम करते हैं। नारियल पे पानी पी के करेगा क्या? जुआ खेलने वाला ये बोलेगा अच्छा चाय के एक नारियल पानी सबको दे दो? नहीं हो सकता ना। जैसा काम करना है वैसा ही खाना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये डिमांड है, उस काम करने की डिमांड है कि वैसा भोजन होना चाहिए, ये उस काम की डिमांड है। तो अब गलत खाया तो गलत काम बनेंगे। अब काम हम छोड़ नहीं सकते, जो पहले काम कर रहे हैं गलत मान लिए कर भी रहे हैं वो छोड़ नहीं सकते, वो हमारी आदत में आ गया। अब खाना ठीक कर दिया, खाना ठीक करने के बाद अपने आप हमारा मन जो गलत चीज़ें हैं उनसे हटना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि साइंस है जी, साइंस साइंस तो साइंस है, दो और दो चार होते हैं, मानना पड़ेगा। जैसा खाना खाएंगे वैसा काम करना पड़ेगा।